दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो बात करेंगे एक ऐसे टोकन्स की जो समथिंग अगर कोइन मार्केट कैप के ऊपर देखेंगे तो समथिंग 388वीं रैंक है, ठीक है। और ये जो टोकन है बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर ये वर्क करता है और ये इसका जो नाम है एलिप्सिस, ठीक है। तो इसके अलावा आप यहाँ पे जो टोकन का नाम है EPS और इसकी जो हाईएस्ट जो प्राइस है $7 के आसपास गई थी समथिंग, अगर बात करेंगे 3 अप्रैल यानी कि मार्केट में जब बुल रन था उसी टाइम इसकी टोकन की रेट $7 के आसपास गई थी। और टोटल जो इनकी सप्लाई है हाईएस्ट है वो बात करेंगे, कौन से एक्सचेंज के ऊपर हैं वो बात करेंगे और कहाँ से कितना और जा सकता है, ठीक है। अगर बुल रन आता है तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है 3x यानी कि 3x से 4x भी हो सकता है। परंतु दूसरी बात कि कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करो अपनी सोच समझ के, अपने पैसे से और अपनी रिस्क पे आप करिए, ठीक है। अगर ऑल टाइम हाई की बात करेंगे तो $21 के आसपास है समथिंग, हाईएस्ट ऑल टाइम हाई से 97% ये डाउन है, ठीक है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ओल्ड टाइम लो की बात करेंगे तो $0.33 के आसपास है जो समथिंग उससे लो से 61% अपर है यानी कि ऊपर चल रहा है। टोटल जो सप्लाई है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात कि यहाँ पे हम इनकी कम्युनिटी की बात करेंगे तो ये जो टोकन्स हैं बाइनेंस के स्मार्ट चेन के ऊपर भी ये वर्क कर रहा है। पेनकेक स्वाप के ऊपर भी आप स्वाप करके रख सकते हैं, gate.io, coin.ax, mdex और dodo.bsc यानी कि बहुत सारे एक्सचेंज पे ऑलरेडी लिस्टेड भी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि ओल्ड टाइम ये काफ़ी लो भी चल रहा है। उसके अलावा इनकी कम्युनिटी अगर ट्विटर के अकाउंट के ऊपर हम चेक करेंगे तो समथिंग मार्च में इन्होंने ज्वाइन किया और मार्च में ही इन्होंने बाइनेंस के ऊपर लिस्ट किया, ठीक है। 19K फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे और भी देख सकते हैं कि इन्होंने नए नए फार्मर्स जो यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे जाके आप फार्मिंग भी कर सकते हैं और समथिंग एक दो दिन तीन दिन के अंदर ये यहाँ पे अपडेट भी देते रहते हैं, ठीक है। और अगर दो दिन पहले की बात करूँ तो इस टोकन ने लगभग काफ़ी अच्छा ये अप भी गया था। उसके अलावा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, दो दिन पहले ये थोड़ा ऊपर था और मैं बताता हूँ एक मिनट, EPS USDT, ओके। इनकी ट्रेडिंग पेयर को हम चेक करेंगे कि दो दिन पहले ये कहाँ पे था, ठीक है। अगर बात करेंगे तो ऑल टाइम लो यानी कि यहाँ पे था, यहाँ से वापस डबल टैप बनाने के बाद में ये अप गया। अप जाने के बाद में समथिंग इसने जितने भी इनके इन्वेस्टर थे उनको इन्होंने लगभग 1x का जो भी प्रॉफिट दिया यानी कि डबल हो गया, यहाँ पे जिन्होंने परचेज़ किया उनका डबल हो गया। उसके बाद में नीचे आया, वापस अप गया, वापस नीचे आया, वापस अप गया, ठीक है। और हाईएस्ट की बात करेंगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं लगभग काफ़ी ऊपर से ये नीचे भी आया। और सप्लाई की बात करेंगे तो काफ़ी अच्छी सप्लाई भी है परंतु ये बाइनेंस के ऊपर लिस्टेड भी है, ठीक है। तो मेरा कहना ये कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर बुल रन आता है मार्केट में तो ये आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ से ये पूरा इसका सपोर्ट लाइन है और यहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं ऊपर से, ठीक है। तो ये एक अच्छा मौका है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं और यहाँ से भी इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को लगता है कि ये अभी अप जाएगा क्योंकि इसका 100% श्योर अप जाने का यहाँ पे चांस लग रहा है। बाकी आप अपने रिसर्च के ऊपर आप जो भी करिए अपनी रिसर्च के ऊपर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल $10-20 अगर इन्वेस्टमेंट करना है आपको तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी लो है यानी कि ओल्ड टाइम लो से ये टोकन EPS टोकन जो है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ओल्ड टाइम हाई से लगभग 97% यहाँ पे डाउन है, ठीक है। तो ये था आज का टोकन। अदरवाइज़ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर नहीं हैं तो ज्वाइन करिए,
ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और दूसरी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको ट्रेड भी मारा था लगभग ट्रॉन में, और यहाँ पे जब मैंने ट्रेन इसके ऊपर ट्रेड मारा था लगभग 6 TRX में मेरे को एक EPS टोकन मिल रहा था, ठीक है, 6 TRX में एक EPS टोकन पेनकेक स्वाप पे मैंने इसको परचेज़ किया था, लगभग 10 EPS परचेज़ किए थे, और लगभग 10 EPS में लगभग 600 ट्रोन मेरे यहाँ पे लगे थे, और 600 का ट्रोन का मेरे यहाँ पे 1200 ट्रोन यहाँ पे बना था। उसके बाद में ये लगभग 11 ट्रोन के आसपास गया था, 11 ट्रोन पे जाने के बाद में ये वापस अब नीचे आए हैं लगभग 8.5 ट्रोन के आसपास, ठीक है। तो अच्छी बात ये है कि आप यहाँ पे अगर ट्रोन में भी अगर करना चाहते हैं ट्रोन में भी यहाँ पे स्वाप करके इसको छोड़ सकते हैं और आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बाइनेंस की बात करेंगे तो बाइनेंस में भी इसके पेयर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे USDT में, जो आप चेक कर सकते हैं, यानी कि USDT पेयर, BUSD और EPS BTC, ठीक है, ये तीन पेयर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर बात करेंगे तो 15 तारीख को ये 7.0.78 पॉइंट के आसपास ये गया था, उसके बाद में ऑल टाइम लो को इसने नहीं तोड़ा, वापस ये अप गया और वापस ये नीचे आ रहा है। तो अब इसका जो टारगेट होगा लगभग आप थोड़ा सा नीचे इंतज़ार कर सकते हैं, लगभग 0.5 सेंट्स के आधे डॉलर के आसपास इसको आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, परचेज़ कर सकते हैं, जो भी आपका पोर्टफोलियो होता है उससे आप 25% यहाँ पे परचेज़ करिए। अगर ऑल टाइम और नीचे आता है तो आप 25% से और परचेज़ करिए, ठीक है, एक जिसमें आपका एक एवरेज बन जाए। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।